अस्सलाम वालेकुम। पुत्र क्या हाल है? ठीक हो? आओ हाँ तू सानू अज उस्ताद ने तराम के हवाले एक वाक्य सुनाई। इधर आओ हाँ तुम सारे इधर कट्ठे हो। दुनिया में तू इधर आ जा। अज जरा मैं वाक्य उस्ताद ने जिस तरह के हवाले न बयान कर रहा गा ना, ये 170-180 साल पहले की गल है। कितने साल पहले की गल है? 170-180 साल पहले की गल है। ये जिस हस्ती का यह वाक्य बयान कर रहा गा ना, उर्दू विच उर्दू जड़ी जबान है उद्दे च उन्होंने बड़ा मकाम है। उर्दू की जरा हिस्सा नसर है उद्दे च उन्होंने बड़ा मकाम और मरतब है, बड़ा मकाम मरतब है। वो अपने बचपन का एक वाकया बयान कर दे, अपने बचपन का एक वाकया बयान कर दे। कहते हैं कि उस वक्त तकरीबन 7-8 साल दे सी, मस्जिद विच दाखिल हुए, मस्जिद विच दाखिल हुए। उस वक्त वो 7-8 साल दे सी। कितने साल दे सी? 7-8 साल। मस्जिद दाखिल हुए उस वक्त जेड़े मस्जिद ने मां साहब होने सी कारी साहब उन्ना के आखदे सी मुल्ला, के आखदे सी मुल्ला। मुल्ला साहब बड़ी सख्त तबीयत ने मालक सी, सख्त तबीयत सी उन्होंने। 6-7 साल उन्होंने उम्र सी, 8 साल तकरीबन। सुबह उठन कौन आना, निके बच्चे सी, सोना उठन कौन आना, गुरबत बड़ी सी, कोई बिस्तरा ना कोल कौन सी, कोई बिस्तरा ना कोल कौन सी। जेड़ी मस्जिद विच सफ पाई होने से ना, फूड पाए होने से, सफा पाइया से, हूँ तो दुनिया सफा आ गई ना, ये सफा पाई होनी सी ने ना, उवे ही अपर लैनी है, उदे विच ही जेड़ा ना गोल हो जाना। पहले अख उन्होंने कौन सी खुली, पहले उन्होंने अख कौन सी खुले, 6-7 साल के 7 साल के। तो फिर जेड़े उन्होंने मुला साहब से उस्ताद साहब, वो फिर उन्होंने ना ना अख खुलती तो लत मारते सी, के करते सी लत मारते सी, वो फिर रिड़ते जाने सी। जी शख्सियत सी ना वो रिड़ती जाती सी, नाल ते वो भी उठ खलोने सी, ते नाल ही जेड़ी सफ है ना वो भी पै जाने सी, वो रिड़ते जाने से नाल वो सफ भी पै जाने। गुरबत बड़ी सी, वो फिर उठ खलोना। फिर उन्होंने मुला साहब ने उन्होंने ड्यूटी भी लाई होने से, कि जेडे मुड़े हो ना, कुछ मुड़े फलाने घरों चल गए मंग का लै गए रोटी, कुछ फलाने घरों मंग का लै गए, तो मंग का लै गए आ गए, फिर वो पड़े न। ये पता कि शख्सियत सी उन्होंने ना, कैसे पते उन्होंने ना सी मौलवी नजीर अहमद देहलवी, मौलवी नजीर अहमद देहलवी। उन्होंने डिप्टी नजीर अहमद देहलवी भी कहा जाता है, डिप्टी नजीर अहमद देहलवी कहा जाता है। डिप्टी नजीर अहमद देहलवी का शुमार जोड़ा है, डिप्टी नजीर अहमद देहलवी साहब जेड़े उन्होंने जोड़ा शुमार है ना, उर्दू के अरकान खमसा जेड़े पांच उर्दू के मशहूर अरकान हिस्सा नसर के, जिन्हें काफ़ी कुछ उर्दू वास्ते लिखे है, बड़ी उर्दू जबान की खिदमत की है, उन्होंने एक डिप्टी नजीर अहमद देहलवी भी उर्दू के पहले नावल निगार भी, पहले नावल निगार भी। अज आए वाक्य तो के सबक मिलता है, के सबक मिलता है कि उस्ताद का इहतराम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि उस्ताद सानू थप्पड़ मारे है, सानू सोटी मारी है, नहीं, उस्ताद मारदा नहीं है, उस्ताद मारदा नहीं मार, उस्ताद के करदा इसलाह करदा है, के करदा इसलाह करदा। ये डिप्टी नजीर अहमद देहलवी साहब
किस तरह उन्हें अपना वाकया बयान किया है कि सानू उस्ताद साहब लत मारते थे असी तां उठदे सां, उन्हें कदे नहीं शिकायत की थी। ना कदे शिकायत नहीं की थी। इस वास्ते सानू अपने जो उस्ताद साहब ने चाहे वह कारी साहब चाहे उस्ताद साहब जिस महकमे के उस्ताद साहब जिस शोभे के उस्ताद साहब उन्होंने कराम करना चाहिए। जो कुछ भी कहन उसनों कुछ दिली नाल ये समझ गए कि साड़ी ये इसलाह करना है। इस बात चांद वास्ते के करना है अपने उस्ताद उस्ताद साहब ना के करना है इत्राम करना।